आज यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, मुख्तार अंसारी को आखिरी बार देख भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये इसीलिए ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको मैं बता दूं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। एक बार फिर से ये तस्वीर आप देख लीजिए, आपको जहां तक आपकी नजर जाने वाली है वहां तक सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नजर आएगा तो ये सुरक्षा में खड़े हुए जवान है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त मुख्तार अंसारी के घर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, 10 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, आप ये भी बताइए क्या जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा आप उसी कब्रिस्तान के वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं उसी कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। जो अंबिका चौधरी है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी अभी यहाँ पहुंचे थे, वो मुख्तार अंसारी के घर गए और उन्होंने भी इस पे कहा है कि जो मौत हुई है उसकी जांच होना चाहिए। और लेकिन मैं आपको एक बार फिर से देखिए तस्वीरें दिखाता हूँ, ये इस पूरे इलाके में आप केवल यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो है वो देखेंगे, एडिशनल SP जो है वो यहाँ पर तैनात है, जो SDM है वो यहाँ पर तैनात है। और देखिए लबीना, जो लोगों का हुजूम है वो भी यहाँ पर आना शुरू हो रहा है क्योंकि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही जो मुख्तार अंसारी है उनका पैतृक घर है। और देखिए लोग जो है वो पैदल यहाँ सर, क्योंकि गाड़ी आने की अनुमति नहीं, तो पैदल जो है वो यहाँ पर लोग जो जनाजा उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यही वो कब्रिस्तान है जहाँ पर कि करीबन 10-10:30 बजे आपको यहाँ पर लोगों का, सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि यहीं पर जो उनका पुश्तैनी कब्रिस्तान है यहाँ पर मुख्तार अंसारी के पिता, उनकी माता, उनके दादा परदादा की भी कब्र यहाँ पर है, तो यहीं पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। और उसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है, ना केवल गाजीपुर महू, इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां पर भी धारा 144 लगा दी गई है और तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। अभी हमने एडिशनल SP साहब से बात की, यहां पर SDM भी है हमारे साथ, यहां के उनसे ही बात करते हैं। CDO साहब, सर अभी यहां पर पुलिस की जो तैयारियां, प्रशासनिक तैयारियां किस तरह की है? नहीं, हमारी सारी तैयारी है, जितने हमारे पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, पूरी तैयारी है। और सर लोगों से किस तरह की अपील कर रहे हैं यहां पर? अपील है सब लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो भी जहाँ पे हमारे रास्ते बैन किए गए हैं वहाँ पे हम लोग मना किए हैं, वहाँ कोई वकील नहीं आ रही है, बाकी सब लोग पैदल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सब लोग पैदल आ रहे हैं। सर कितने बजे तक यहाँ पर सुपुर्द खाक हो जाएगा, जो जानकारी आपको मिल रही है परिवार ने आपको जानकारी दी? समय लगभग 10 बजे का है, उस हिसाब से होगा। कितने लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं? देखिए कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पे। देखिए ये भी प्रशासनिक अधिकारी है जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैदल लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जगह जगह से कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए आप? आप लोग कहाँ? बलिया से आए। बलिया से आए, तो देखिए बलिया से तमाम लोग जो हैं, अलग अलग जिलों से जो है वो लोग यहाँ पर है, मुख्तार अंसारी का जो घर है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं पुलिस का भारी अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें लबीना, अभी इस तरह से जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी एक शख्स था लेकिन दो किरदार था, और यहाँ के लोग जो है वो मुख्तार अंसारी को रॉबिनहुड मानते हैं। हमने कल भी लोगों से बात की, लोगों ने अपनी दुकानें जो है वो बंद कर रखी है, मुख्तार अंसारी के घर के पास सब्जी का एक पूरी मंडी है वो पूरी तरह से बंद है कल से। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण भी है कि जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से दुरुस्त रहे और उसमें कहीं भी किसी तरह से जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब ना हो। आनंद, एक छवि जो मुख्तार अंसारी ने खासतौर पर इन लोगों के बीच में अपनी बनाई वो ये थी कि चाहे वो कितना भी खुखार अपराधी क्यों ना हो, यहाँ के लोगों के लिए वो एक, कई सारे ऐसे आप बयान भी अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ के लोगों के लिए तो वो मसीहा जैसा था। अब ये बताइए आनंद, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो पेरोल मिल भी जाती है, हालांकि उनके बेटे तक 11 घंटे से देरी से ये न्यूज पहुंची है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो क्या वो बेटे जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं? क्या पेरोल मिल गई है या मांगी गई है? आपके पास क्या डिटेल है इसको लेकर? देखिए जो उनके बेटे अब्बास हैं वो इस कासगंज की जेल में बंदे और उन्होंने कल जो है वो हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। उनके वकील जो है वो पैरवी करने पहुंचे थे कि उनके पिता के जनाजे में और सुपुर्द खाक की जो पूरी रस्म होती है उसमें उनके बेटे शामिल हो पाए, और जानकारी ये भी मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है, लेकिन अब वक्त बहुत कम है लबीना, क्योंकि 10-10:30 बजे जो है वो मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो उनके भतीजे हैं या जो उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं वही जो जनाजा है उसमें शामिल होंगे। और हमने कल भी घर की तस्वीर देखी कि परिवार के जो तमाम लोग थे वो घर में मौजूद थे, उनकी पत्नी जो है वो फरार चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लोगों का देखिए जमावड़ा धीरे धीरे लगना शुरू हो गया, लोग यहाँ पर जो है वो आना यहाँ पर शुरू हो गए। कुछ और लोगों से हम यहाँ बात करते हैं, आप कहाँ से आए भाई? नगरा से। नगरा से ये मुख्तार अंसारी के सुपुर्द खाक की कार्रवाई भी शामिल होनी? जी जी। और किस तरह की छवि देखते हैं मुख्तार अंसारी की? छवि बहुत बढ़िया थी यहाँ के लोगों के लिए,
यहाँ गरीबों के लिए छह बढ़िया थी। तो देखिए ये हमने जैसा आपको बताया कि लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और लोग जो है वो धीरे धीरे अब जो मुख्तार अंसारी का घर है मेरे यहाँ से ठीक पीछे जो आप रोड देख रहे हैं ये पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिया गया है, केवल पैदल यहाँ पर लोगों को आने दिया जा रहा है। यहीं पर मुख्तार अंसारी का जो पैतृक घर है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोग जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है आनंद, अभी आपने बताया था कि समाजवादी पार्टी की कोई नेता है जो मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंची है, क्या ये माना जाए कि 10 बजते बजते जब ये वक्त करीब आएगा सुपुर्द खाक करने का और भी राजनीतिक चेहरे हमें यहाँ पर दिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर राजनीतिक तौर पर भी ये बहुत बड़ी तस्वीर हो सकती है। देखिए बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं अंबिका चौधरी वो अभी यहीं से गुजरे थे और उन्होंने अभी यहां पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा था कि जो मौत हुई है वो दुखद है, इसकी जांच होना चाहिए और यहां के लोगों के लिए काफी विकास के कार्य किए हैं उनके नेता ने। जब से मुख्तार तब से समाजवादी पार्टी और जो दूसरी कई और दल के लोग हैं वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये एक हत्या है सुनोजी शाजी से, लेकिन इस पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा, जो पोस्टमार्टम है कल ही हो चुका है, बिस्तरा जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है मुख्तार अंसारी का। तो अब पुलिस के लिए ये जो 2-3 घंटे हैं काफी चुनौतीपूर्ण है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि शांति व्यवस्था में जो सुपुर्द खाक की जो रस्म होती है कार्रवाई होती है वो पूरी तरह से हो जाए और उसमें जो जनता है वो कहीं ना कहीं पुलिस का सहयोग करे यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है उसको बनाए रखने में। बिल्कुल आनंद, और अगर चूंकि मुख्तार अंसारी की जब जब बात की जाएगी तब तब ये भी समझा जाएगा, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं आप उनसे बात करें, अभी हमने सुना वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। यानी कि मुख्तार अंसारी ने कई समय तक ये कोशिश की कि वो चाहे जेल में ही क्यों ना रहे, प्रचार ना करें, लेकिन एक छवि ऐसी हो कि लोग उन्हें वोट दें और वो चुनाव जीत जाए, और ऐसा होता भी रहा। लेकिन बड़े ताजुब की बात है कि 2017 तक कोई भी सजा उन्हें नहीं होती और फिर 2 बार बाद में उम्र कैद की सजा हो जाती है, और उसके बाद अभी तो कई सारे 50 से ज्यादा ऐसे मामले जिन पर फैसला भी नहीं आया। आनंद, देखिए बिल्कुल लवीना, मुख्तार अंसारी के खिलाफ के ऊपर करीबन 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। कई मामलों में मुख्तार अंसारी कन्विक्ट भी हो चुका था और कई मामले जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। और हमने देखा कि जिस वक्त रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे उस दौरान भी ये खबरें आई थी, इस तरह के आरोप लगे थे कि वहां पर जो एक लग्जरी लाइफ है मुख्तार अंसारी जी रहा। और उसके बाद हमने वो तस्वीर भी देखी जब मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से वापस बांदा जेल में आए तो व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी नजर आ रहे थे, और उसके बाद लगातार मुख्तार अंसारी की जो सेहत है बिगड़ती गई। हालांकि परिवार के मुख्तार अंसारी ने 2 बार जो जानकारी मिल रही है कि अपनी जान का खतरा भी बताया था, लेकिन उस पर अभी न्यायिक जांच चल रही है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है। हालांकि जो पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट है उसमें इसे कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक बताया गया है, तो अभी न्यायिक जांच का थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसमें देखिए चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है तो ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी इस पर जमकर हो रही है। ठीक है आनंद, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इन सबके बीच एक और खबर दर्शकों को बता दूं, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी पंजाब और बांदा जेल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें 10 रिपोर्ट एक समान है। रिपोर्ट की अगर माने तो 10 सितंबर 2018 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति को एप्लीकेशन लिखा था जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी के गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने की बात कही थी, और इसके कुछ वक्त के बाद 2 नवंबर 2019 को मुख्तार अंसारी ने राष्ट्रपति को बकायदा एक लेटर लिखा और जानकारी इस बात की दी कि जेल में रहने के दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। इतना ही नहीं, उन्हें हाई ब्लड शुगर की भी शिकायत थी। वहीं बांदा जेल प्रशासन की अगर माने तो मुख्तार अंसारी ने साल 2021 से 2024 के बीच 84 बार डॉक्टर से कंसल्ट किया है। 10 रिपोर्ट जो सामने आई है वो 10 की 10 एक समान बताई जा रही है। 84 बार आप सोचिए, 2021 से 2024 के बीच में 84 टाइम्स डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, अलग अलग कई सारी बीमारियां की बात इसमें सामने आई है। मुख्तार की गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की बात कही गई है जिसमें हाई ब्लड शुगर की बात है। इसके अलावा इससे पहले भी 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। ये बहुत बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए हुआ। और एक और बड़ी खबर यह है कि मुख्तार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी हुई यह जानकारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है
कि मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत हृदय गति रुकने से ही हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर माने तो मुख्तार शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज था। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बताया गया कि हृदय की गति रुकने से मुख्तार की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जब बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ था तब भी यही वजह सामने आई थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये साफ हो चुका है हृदय गति रुकी और मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी के परिवार का आरोप यह है कि मौत के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। दावा स्लो पॉइजन का भी किया जा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया, ऐसा जहर जिससे वो तुरंत ना मरे बल्कि धीरे धीरे उसकी मौत हो जाए। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्तार की मौत पर जितने मुंह उतनी बातें, कोई उसे स्लो पॉइजन देने का दावा कर रहा है तो कहीं सियासी बयानों में जहर देने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच मुख्तार की मौत का सच क्या है? डॉक्टरों की शुरुआती जांच हार्ट अटैक की ओर मौत की वजह का इशारा कर रही है, जबकि मुख्तार का परिवार एक सुर में जहर की साजिश का आरोप लगा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हत्या हुई। परिवार के सदस्य दावा कर रहे हैं कि मुख्तार को जेल के अंदर स्लो पॉइजन देकर के धीमे धीमे मौत की नींद सुलाया गया। मुख्तार अंसारी का परिवार कह रहा है कि मुख्तार अंसारी ने मरने से पहले खुद कोर्ट में डर जताया था कि जेल में उसे मरवाया जा सकता है। परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि जहर वाली साजिश को लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी। दावा है कि कोर्ट को लिख कर दिया गया था कि जेल में मुख्तार के खाने में जहर मिलाया गया है। परिवार ने 19 मार्च की घटना का जिक्र किया। दावा है कि 19 मार्च को जहर दिए जाने की वजह से मुख्तार की तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार 28 मार्च की रात मुख्तार ने दम तोड़ दिया। 18 मार्च से उनकी काफी तबीयत खराब चल रही थी, बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिए। मुख्तार का परिवार जिस जहर वाली थ्योरी का दावा कर रहा है अब उसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, तेजस्वी यादव से लेकर राम गोपाल यादव तक, बड़े बड़े नेता भी मांग कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने के आरोप की जांच हो। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दी, निंदनीय और अफसोसजनक। मुख्तार अंसारी के परिवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पहले उसे जेल में जहर दिया गया, फिर परिवार को उससे मिलने नहीं दिया गया और बाद में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मुख्तार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में जहां वो विचाराधीन थे, जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर जाइए आप ठीक, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो, दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। मुख्तार को जहर देने के दावों का सच क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा, लेकिन मुख्तार और उसके गुर्गों के काले कारनामों को करीब से देखने वाले यूपी के पूर्व डीजीपी इसे एक पुरानी घटना से जोड़कर देख रहे हैं।
यूपी के डीजीपी रहे ओपी सिंह के मुताबिक जीते जी मुख्तार ने जेल में जहर देने वाला पैंतरा पहले भी आजमाया था ताकि उसे पंजाब की जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट ना किया जाए। जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था तभी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। मुख्तार की मौत का सच जो भी हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। और अब उत्तर प्रदेश की बांदा जेल का एक वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में लखनऊ में बैठकर पुलिस अधिकारी बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखते थे। ये वीडियो 19 अप्रैल 2013 का बताया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में रखा गया था। उस पर नजर रखने के लिए आपको बता दें कि कैसे बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उन कैमरों के जरिए पुलिस के अधिकारी उस पर लखनऊ से नजर रख रहे थे, मतलब सुरक्षा ऐसी थी कि वहां पर परिंदा भी पड़ ना मार सके। लेकिन मुख्तार के घर वालों का आरोप यह है कि साजिश के तहत उसे जहर देकर मारा गया, जबकि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की बेहद सुरक्षा सख्त थी और जो खाना दिया जाता था उसे भी चक कर दिया जाता था। मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर परिजनों को अब सौंपा जा चुका है, ये बड़ी खबर है। मुख्तार के शव के गाजीपुर पहुंचने से पहले उनके बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी का बयान भी सामने आ गया। उनकी तरफ से बताया गया कि मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इस दौरान परिवार और करीबी लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। 10 बजे का वो समय होगा जब सुपुर्द खाक किया जाएगा। कब्रिस्तान के आसपास आपको बता दें सुरक्षा तो कड़ी है ही, तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सिर्फ और सिर्फ परिजन इसमें शामिल होंगे। जो करीबी लोग रहे हैं मुख्तार अंसारी के परिवार के वो यहाँ पर शामिल होंगे। इनफैक्ट आपको ये भी बता दें कि बेटे होंगे या नहीं इस पर भी अभी संदेह बना हुआ है। लाश काफी देर से मिली इसलिए रात के में संभव नहीं है कि मिट्टी दी जा सके। सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज होगी और उसके फौरन बाद मिट्टी दी जाएगी। सभी से मेरी गुजारिश है कि उनके लिए मगफरत की दुआ करें। और उधर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही सियासी घमासान भी लगातार चल रहा है। विपक्षी गठबंधन के कई नेता प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मुख्तार पर गंभीर आरोप लगाने वाले कई परिवारों के लोग इसे न्याय बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। बांदा से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। गाजीपुर मऊ बांदा धारा 144 भी लगा दी गई है। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन की ओर से मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार की मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है। हालांकि विपक्ष मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर मुख्तार की संस्थानिक हत्या का आरोप लगाया और एससी से पूरे मामले की जांच की मांग की। जब उन्होंने शंका जाहिर की थी कि मुख्तार अंसारी जी ने कि हमें जेल में जहर दिया गया, उसके बाद न्यायालय के आदेश का पालन आपने क्या किया? आपने कहा कि जांच हुई, जांच में नॉर्मल आया। मैं एक बात कहूंगा कि मैंने तो सीधा कहा कि एक जांच हो हाईकोर्ट के द्वारा। एसपी नेता अमीक जामीज और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए सरकार से जांच करने की मांग की है। अभी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुलजिम साबित होने हैं। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत की वजह स्लो पॉइजन को बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास, जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो इंसाफ। वही विपक्षी गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मुख्तार अंसारी ने पहले ही जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, इसके बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो मुख्तार अंसारी की मौत को राहत के तौर पर देख रहा है। कृष्णानंद राय के भतीजे ने जहां इसे इंसाफ बताया और कहा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वहीं एक और पीड़ित ने देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिलने की बात कही। मऊ में उनके पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। कह सकते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब ये मैं घटना सुना तो कह सकती है कि मेरे आत्म अस्तित्व हो गया। रमजान के महीने में ही हम लोगों को नया मिला है, भगवान के द्वारा न्याय मिला। 8 से 10 यादव बंधुओं के उन्होंने हत्या करवाई थी उस मऊ दंगे में, तमाम तरह से एकदम तांडव किदम किया था। उसके बाद ही 1-2 महीने के बाद ही विराज जी की हत्या भी करवा दी। उससे अपराधी था इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने रसूख पे सरकार के बल पे लोगों से धन वसूली, हत्या, अपहरण यही कार्य था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सारे लोगों, जितने लोगों को उसने हत्या करी, सारे परिवार के लोग आज बहुत खुश होंगे। अपराधियों का हसरा ऐसा ही होता है। यह तो होना ही था, हम ईश्वरीय न्याय के भरोसे तो थे ही पूरी तरह, लेकिन नीचे वाले भी, एक भगवान नीचे भी बैठते हैं जो न्यायालय में भगवान कहे जाते हैं, उनसे भी न्याय की पूरी उम्मीद थी और उसमें न्याय आती उससे पहले ही भगवान भी ऊपर वाले भगवान का न्याय आ गया। उसके लिए हम ऊपर वाले भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ विकास पिछले 14 साल से लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 14 साल में पहली बार उन्होंने अपने पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अमित और आनंद का मैं सीधा रुक कर रही हूँ। अमित, सबसे पहले आप बताइए आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाइए। देखिए 10 बजे के आसपास सुपुर्दे खाक होंगे मुख्तार अंसारी और मैं आपको तस्वीरें यहां पर सीधे दिखाता हूं, कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए किस तरीके से यहां पर पीएससी के जवानों को यहां पर डिप्यूट कर दिया गया और इसके और ये जहां खड़े हैं ठीक पीछे का हिस्सा अगर मैं दिखाऊं तो ये कब्रिस्तान का हिस्सा है और यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। और आपको बताऊं कि ये खानदानी कब्रिस्तान है मुख्तार अंसारी का। तस्वीरें आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इसी खानदानी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होंगे मुख्तार अंसारी। वो मुख्तार अंसारी जिनका कई दशकों तक पूर्वांचल में सिक्का चलता था, जिसे मुख्तार अंसारी चाहते थे, वही गाजीपुर हो, मऊ जिला हो, आजमगढ़ में हो, जौनपुर जिला में चुनाव जीतता था वही चुनाव हारता था। दूसरी एक तस्वीर मैं आज आपको एक दिखा दूं कि किस तरीके से कोई मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड के तौर पर मानता था तो कोई जो है वो आतंक का पर्यायवाची ही के तौर पर मानता था। लेकिन इस इलाके में देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, जितने भी लोग गाजीपुर मऊ की तरफ से आ रहे हैं वो इस सड़क से आ रहे हैं और लगातार लोग जो यहाँ पर इस सड़क से पहुंचते जा रहे हैं। इस वक्त काफी ज्यादा तादाद में जो है मुख्तार अंसारी का जो पैतृक गांव है उस पैतृक गांव पर इकट्ठा हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां जिस स्पॉट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस स्पॉट से महज 200 मीटर की दूरी पर, ये 200 मीटर की दूरी पर इसी रास्ते पे जो है आगे मुख्तार अंसारी का घर है, मुख्तार अंसारी का घर है और यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में स्थानीय लोग इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पर। तो मुख्तार अंसारी का जो सुपुर्दे खाक करने का समय है वो 10 बजे है। अब्बास अंसारी को करारा झटका लगा है जो कि मुख्तार
अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी सुपुर्द खाक में शामिल नहीं होंगे, मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। देर रात वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन वहां से भी उनको नेगेटिव ही मिला, उनको उनके वर्डिक्ट उनके पॉजिटिव नहीं आया, उनके मुताबिक वर्डिक्ट नहीं आया। तो अब बड़े बेटे अब्बास अंसारी इसीलिए उनके पास इतना वक्त ही नहीं रहा कि वो कोई दूसरा विकल्प भी अपना सकते। आनंद का मैं रुक कर लेती हूँ। आनंद आप जरा अब ये बताइए तस्वीरें दिखाने के बाद कि अब मुख्तार अंसारी के परिवार में कौन लोग हैं, चूंकि बेटे आ नहीं पाएंगे, पत्नी का पता नहीं है, तो फिर कौन कौन आज यहाँ पर सुपुर्द खाक इस जनाजे में शामिल होने वाला है, और साथ में तस्वीरें भी दिखाइए तैयारी की। देखिए बिल्कुल मेरे ठीक पीछे ये वो रास्ता है जो मुख्तार अंसारी के घर की तरफ जाता है, उनके जो दूसरे बेटे हैं वो, जो उनके भतीजे हैं जो खुद विधायक हैं वो, और परिवार के तमाम लोग जो हैं वो सुपुर्द खाक की कार्रवाई में शामिल होंगे। जो उनके एक बेटे हैं जैसा कि अमित भी बता रहा है, हम भी सुबह से बता रहे हैं कि उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है, हाईकोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने कोशिश की थी कि वो जनाजे में अपने पिता के शामिल हों। और यहाँ पे देख सकते हैं आम लोगों की जो आवाजाही है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर लबीना रोक दी गई है, पुलिस केवल यहाँ पर आपको देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और हमने अभी एडिशनल जो एसपी है उनसे भी बात की, उनका कहना था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है वो पुख्ता इंतजाम कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी है जो डीएम है वो भी लगातार जो है वो यहाँ पर गश्त कर रही है, और उनके परिवार के लोगों से भी जो है पुलिस लगातार संपर्क में है। 9:30 के आसपास जो जनता है वो अंतिम दर्शन करना चाहती है उनके रॉबिनहुड का, उसके लिए भी पुलिस ने ये कहा है कि 9:30 के आसपास वो मौका भी मिलेगा। अंदर से उनके भतीजे भी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि 9:30 तक जो फाटक है वहां पर आने की इजाजत लोगों को दी जाएगी, और उसके बाद जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, अमित खड़ा हुआ है, वहीं पर जनाजा जो है वो पहुंचेगा, और उसके बाद जो कब्रिस्तान है उनका पैतृक कब्रिस्तान है जहां पर कि उनके पिता, उनकी माँ, उनके दादा परदादा की कब्रें हैं, वहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। आनंद लगातार हम न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों को वो भी दिखा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार है वो बैकग्राउंड उनका क्राइम को लेकर कैसा रहा है और कहां कहां पर किस किस को सजा हुई है। जैसा अभी आपने भी बताया कि एक बेटे तो जेल में ऐसे बंद है कि अपने पिता के जनाजे में ही नहीं शामिल हो पा रहे हैं, लेकिन आनंद ऐसा नहीं लगता उत्तर प्रदेश, खासतौर पर मैं पूर्वांचल की अगर बात करूं, तो वो माफिया डॉन जिनका रसूख होता था पिछले 5 से 6-7 साल में अगर आप देखेंगे तो पहले रसूख खत्म होता है और फिर धीरे धीरे करके खात्मा माफियाओं का ही हो जाता है, वजह चाहे जो भी हो। देखिए बिल्कुल पूर्वांचल में कई दशकों तक जो है वो मुख्तार अंसारी का और उनके परिवार का दबदबा रहा। अगर आपराधिक कुंडली की बात करें तो आपराधिक कुंडली में भी परिवार और उनके खुद मुख्तार अंसारी पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जो उनकी पत्नी है मुख्तार अंसारी की वो फरार चल रही है, उन पे इनाम रखा गया है। वही राजनीतिक परिवार भी है, सांसद विधायक परिवार से आते हैं, और इस जगह पर हम कल से मौजूद है। हमने लबीना यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की, चाहे वो हिंदू बाहुल हों या मुस्लिम बाहुल हों, उनके लिए मुख्तार अंसारी रॉबिनहुड है। हालांकि मुख्तार अंसारी की जो छवि है वो बाहुबली है, माफिया की है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो मुख्तार अंसारी को एक तरीके से उनका नेता मानते हैं, और यही वजह है कि आसपास की दुकानें हैं आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, कल भी यहाँ पर आसपास की घर के आसपास की तमाम दुकानें जो हैं वो यहाँ के दुकानदारों ने बंद कर रखी है। मुख्तार अंसारी के घर के पास सब्जी मंडी है वो 2 दिनों से बंद है, तो आम आवाजाही जो है वो पूरी तरह से ठप्प पड़ी हुई है। और अब सुपुर्द खाक की कार्रवाई के बाद देखना होगा कि क्या जो आम जनजीवन है यहाँ का, इस शहर का, इस तहसील का, क्या वो वापस पटरी पे आएगा। और उसके बाद पुलिस के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये 2-3 घंटे जो है ये पुलिस के लिए सब काफी चुनौतीपूर्ण है कि सुपुर्द खाक की कार्रवाई हो जाए और लोग अपने अपने घरों को वापस चले। और हमने देखा कि यहाँ पर राजनीतिक जो शख्सियत है वो आना शुरू हो गई, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एक मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे थे, अलग अलग आसपास के जिलों से लोग जो है वो यहाँ पर जनाजे में शामिल होने पहुंच रहे हैं। ठीक है आनंद आप बने रहिएगा, अमित भी मेरे साथ मौजूद है। अमित जिस पर्सनैलिटी की आनंद बात कर रहे थे कि एक तो वो है जिसकी क्राइम कुंडली बड़ी जबरदस्त है और दूसरी छवि वो जो रॉबिनहुड वाली है, लेकिन अब चूंकि आज अब सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि आज ये अंतिम सफर है, आज ये जनाजा है जिसे बस आखिर बार लोग देखने के लिए पहुंच रहे होंगे। अब अमित मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या कोई और नेता भी बड़े बड़े चेहरे क्या यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रतिक्रिया देखेंगे राजनीतिक तौर पर तो लगभग सभी विपक्ष के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है, किसी ना किसी रूप में सवाल भी उठाए हैं, जांच करने की भी मांग की है।
देखिए, अफजाल अंसारी जो है वो मौजूदा सांसद है गाजीपुर से, और अफजाल अंसारी एनडीए के प्रत्याशी भी हैं गाजीपुर से। तो जाहिर तौर पे अंसारी परिवार का जो बैकग्राउंड रहा है वो पॉलिटिकल रहा है, पूर्वांचल में उनकी अपनी अलग ही दाक रही है, अलग ही छवि रही है। तो जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी के चूंकि वो अभी प्रत्याशी हैं, पप्पू यादव ने जिस तरीके से खुलकर बयानबाजी की है, ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से खुलकर सामने आए हैं, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत खुलकर सामने आए, तो जाहिर तौर पर अभी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री जो है यहाँ पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर अभी आने वाले कुछ ही समय में, यानी अगले आधे घंटे 45 मिनट में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर पहुंच जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूर्वांचल की राजनीति में फाटक शब्द का जो इस्तेमाल था वो बहुत ही गंभीर माना जाता था, यानी फाटक से अगर कोई फैसला कर दिया जाता था तो उसे पूर्वांचल की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी महत्व दिया जाता था। फाटक, फाटक मुख्तार अंसारी का घर, और फाटक पर ही 9:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की बॉडी को लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। तो आप समझिए फाटक शब्द का मतलब और उसका महत्व किस तरीके से था। और 9:30 बजे के आसपास फाटक पर लेकर आया जाएगा मुख्तार अंसारी को, जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। मैं आपको यहां एक तस्वीर यहां पर दिखा देता हूं। देखिए, लगातार लोग तो आ रहे हैं, आसपास के गांव से आ रहे हैं, हैवी डिप्लॉयमेंट है सड़कों पर, किसी गाड़ी को इस सड़क पर आने नहीं दिया जा रहा। केवल उन्हीं गाड़ी को आप यहां पर देखेंगे जो सरकारी वाहन है, जिस पर अधिकारी हैं, एसपी, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, जो आला अधिकारी हैं, एडीजी रैंक के अधिकारी, उनकी नजर लगातार इस पर बनी हुई है। यहां से मुख्तार अंसारी की बॉडी जो है सुपुर्दे खाक के लिए एंटर की जाएगी। और मैं आपको यहां से तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से ये अगर गेट खुलता है तो तुरंत यहां पर एसआई रैंक के अधिकारी हैं, तुरंत इस कब्रिस्तान के गेट को बंद कर दे। जरा मैं अंदर की तस्वीरें देखा, जरा युगल आगे आइए और अंदर की तस्वीरें यहां पर दिखाइए। पूरी यहां पर तैयारी कर ली गई है, हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखते रहिए। जो आपको यहां पर खुद दिख रहा है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे की, शव की, और जब यहां पर 10 बजे के आसपास उन्हें लाकर यहां पर सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, ये गेट है, ये गेट देखिए, ये गेट खुलता है, लेकिन कौन जा रहा है? सब इंस्पेक्टर साहब जो यहां पर रवनीश पांडे हैं, ये उनसे पूछते हैं कि क्या करने के लिए आप अंदर जा रहे हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं, खुद रवनीश पांडे जो है इस गेट को बंद कर देते हैं, यानी हर किसी को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है। पुलिस बहुत एहतियात बरत रही है, वजह साफ है, क्योंकि जिस तरीके की छवि है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, स्लो पॉइजन की बात कही गई, और अब पोस्टमार्टम के बाद विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। विसरा प्रिजर्व करने के बाद मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी भी हो रही है। तो जाहिर तौर पर जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो साफ हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, एक अधिकारी यहां पर मौजूद है जो लगातार नजर बनाए हुए हैं हर पैनी स्थिति पर, और भी यहां पर अधिकारी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। इनकी ये यहीं पे तैनात है जीएन प्रसाद साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धारा 144 जहां पर हम मौजूद हैं, यहां इस जिले में लगाई गई है, मऊ में लगाई गई है, गाजीपुर में लगाई गई है। हमारे साथ जीएन प्रसाद साहब है। जीएन प्रसाद साहब, किस तरीके की पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है, क्योंकि 10 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी को यहां पर सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए लाया जाएगा? सारी व्यवस्था हो चुकी है, सब पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रबंध और त्रिस्तरीय हमारी लगी हुई है, और आप लोग देख भी रहे होंगे जगह जगह पे हमारे फोर्स के कर्मी तैनात हैं, सबको ब्रीफ भी किया जा चुका है, सारी व्यवस्था मुकम्मल है। अब हर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल, सामान्य आवाजाही पे रोक है। जो व्यक्ति उनके घर पे जा रहे हैं केवल उनको जाने दिया जा रहा है, और वहाँ से बिल्कुल नहीं, पैदल जा रहे हैं। उनके भतीजा, मुख्तार अंसारी के भतीजे ने कहा कि 9:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी के बॉडी को फाटक पर लाया जाएगा, वहीं अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो इसको लेकर भी कुछ तैयारी कर ली गई है पुलिस? नहीं, वहाँ पे भी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है, कोई समस्या नहीं। और यहाँ जो 10 बजे लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, कितनी देर का प्रोसेस होगा उसके बाद? अब ये तो उनका धार्मिक कार्यक्रम है, और उसमें जो भी टाइम लगता होगा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरे मऊ जिला में 144 धारा लगाई गई है। अब मऊ के बारे में मऊ बताएंगे ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जी, और गाजीपुर में भी 144? गाजीपुर में लगी 144, गाजीपुर में पूरा 144, चप्पे चप्पे पर पुलिस की जवान अधिकारी तैनात हैं। बिल्कुल, पूरे जनपद में है और हर कस्बे पे है, कहीं कोई समस्या नहीं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए अलग हमारी टीम लगी हुई है, सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए। तो ये थे जीएन प्रसाद साहब, जो साफ साफ कह रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर अलर्ट है। गाजीपुर, मऊ जिला, दोनों जिलों में पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से है कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन
खराब ना हो। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए लगातार मैं इन तस्वीरों को क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहां पर रॉबिन हुड की छवि मुख्तार अंसारी की थी, यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर कुछ लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन यहां से जीएन प्रसाद जिस अधिकारी से मैंने बातचीत की उन्होंने आदेश दिया है कि इन लोगों को हटाइए, यहां से भीड़ मत लगाइए, 144 धारा लगाएगा। पुलिस यहां पहुंच चुकी है इनको हटाने के लिए, यहां पर पुलिस यहां पहुंच चुकी है। तस्वीरों को देखिए, पहले पुलिस इनसे बात कर रही है कि आप लोग यहां पर क्यों खड़े हैं, और पुलिस चूंकि धारा 144 लगाई गई है यहां पर, तो पुलिस नहीं चाहती है कि कोई भी भीड़ कहीं पर भी इकट्ठा हो, सामान्य तरीके से सुपुर्द खाक का जो पूरा प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। ठीक है अमिताभ, बने रहिएगा, आनंद आपके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन इन सबके बीच एक और अहम जानकारी जो मिल रही है वो भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10 बजे दफना दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी खबर है, और इसके पहले उनके घर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना भी रात से ही शुरू हो चुकी है। इस वक्त मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अभी आप लोग जानते हैं गरवाई में कुछ वक्त लगता है, पीएम की बॉडी उसमें तो और वक्त लग रहा है, फाटक पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं, तो और जाने के लिए उसमें फाटक की एक क्षमता है। आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले जनाजा, तो जैसे ही लोग हैं फाटक वाले उनको निकाल लेंगे, फिर आप सब लोगों को लाइन लगा के बुला के सबको देखने में किया जाएगा। हाँ ठीक है, सब्र करिएगा, तो कोई भी ऐसा ना करे, अगर कोई भी अंदर गए अगर दुख में आया होगा तो कोई किसी से बदतमीजी अजीत नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, सबको इंशाल्लाह दिखाना अभी बॉडी पहले तैयार हो जाए बनाएगा, उसके बाद आप सब लोग सबको दिखाएंगे। ठीक है, सब्र करिए, अभी टाइम लगेगा 1 घंटा कम से कम। एक वक्त ऐसा था जब मुख्तार अंसारी का खौफ पूरे पूर्वांचल में था, चाहे रेलवे का ठेका हो या फिर वर्चस्व की जंग हो, हर तरफ मुख्तार के आतंक की ही सिर्फ चर्चा होती थी। लेकिन 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी पर ऐसा शिकंजा कसता चला गया कि उसे जेल से बाहर आने का मौका ही नहीं मिला। वो साल था जब मुख्तार अंसारी पहली बार जेल गया था, लेकिन उस वक्त उस पर दंगा भड़काने के आरोप लगे थे, और एक महीने बाद ही यानी 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल तहल उठा था, और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई, और अंजाम ये हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर ही नहीं आ पाया। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है, हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई, भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है, रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है, अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं, इसके ऊपर 50 से 60 अपराधी मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे, बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे, ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हायतौबा मच रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है, बाबा के आशीर्वाद है, जहाँ आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। आज होली का क्या बड़ा त्योहार है, बहुत देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था उससे पूर्वांचल में दहशत का माहौल बन गया था, और इस हत्याकांड की चर्चा आज तक होती है। गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को चुनावी रंजिश में कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, इस दौरान 400 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे,
और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इस हत्याकांड के बाद का एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन किया था और इस हत्याकांड पर खुशी जाहिर की थी। चलो हम तो बहुत खुश है, पाप का था भाई, बहुत लोग मुझे चल रहा था, वो बहुत खुश है क्योंकि हम लोग का एकदम विरोधी था और एकदम शिक्षा करना पड़ता है, इसका जितने भी मारा है ठीक काम किया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में पला, यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदली और कई पैतरे अपनाए, लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल पाई।